हेलो दोस्तों, वीडियोस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और ये है ई टैप सीरीज। तो हम लास्ट वीडियो में जो ई टैप का कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे थे। तो हमारा जो आप देख रहे हो हाईलाइट जो हो चुका है, ये लास्ट वीडियोस में हो चुका है। और नेक्स्ट है हमारा सिलेक्ट टूल। सिलेक्ट टूल एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। जब भी आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको अपने स्ट्रक्चर किसी पोर्शन को सिलेक्ट करना है, ये टूल तब काम आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टूल को यूज केवल ऑब्जेक्ट को, एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए काम आता है। तो पहले हम कोई एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मैट्रिक यूनिट मॉडल बनाया। ये ग्रिड आ चुकी है। ऐसा करते हैं, हम बीम और कॉलम और स्लैब सभी चीज ड्रॉ कर लेते हैं। स्लैब कुछ कुछ ड्रॉ करते हैं। ओके, तो एक हमारे पास मॉडल है जिसमें बीम कॉलम स्लैब है। अब हम सिलेक्ट टूल यूज करते हैं। तो देखिए, सिलेक्ट में आप जाओगे यहाँ पे और इस पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आता है सिलेक्ट, और उसके नीचे आ रहा है आता है डिसलेक्ट। जो टूल सिलेक्ट करता है काम, उसी का उल्टा करता है डिसलेक्ट, यानी डिसलेक्ट करने के लिए। तो सिलेक्ट में मैं जो भी चीज़ें आपको बताऊंगा वो सारी सेम है आपकी डिसलेक्ट के लिए। बस इतना अंतर है कि सिलेक्ट में हम सिलेक्ट करते हैं और डिसलेक्ट में हम डिसलेक्ट करते हैं, और इनवर्स में उसका इनवर्स सिलेक्ट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट में सबसे पहले आ रहा है आपका पॉइंटर विंडो, जो हमारा पहले से है। कर्सर से किसी चीज पे क्लिक करोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए, मैंने जब इस बीम पे क्लिक किया तो नीचे तक सारे बीम सेलेक्ट हो गए। आप 3D में देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फुल स्टोर है। वन स्टोर अगर हम कर देंगे और स्कैप बटन से इसको डिसलेक्ट करके दोबारा मैं इस बीम पे क्लिक करता हूँ, देखिए अब एक ही बीम सेलेक्ट हुआ। इसी तरह से स्लैब पे मैंने क्लिक किया तो एक स्लैब सेलेक्ट हुआ है। ऑल करने के बाद स्लैब पे क्लिक करूंगा मैं तो सारे सेलेक्ट होंगे। दोबारा क्लिक करूंगा तो डिसलेक्ट होंगे। इसी तरह अगर मैं कॉलम के ऊपर ड्रैग करता हूँ इस जॉइंट के ऊपर, तो देखिए जॉइंट प्लस सारे कॉलम सिलेक्ट होते हैं। वहीं अगर मैं वन स्टोरे करता हूँ इसको स्कैप से डिसलेक्ट करके फिर ड्रैग करता हूँ, तो केवल एक जॉइंट और ये पूरा एक कॉलम, एक स्टोरे का कॉलम सिलेक्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं सिलेक्ट पॉली। देखिए, आप इमेज में भी देख सकते हैं इसमें कि आप कोई पॉली बनाएंगे, कोई एरिया बनाएंगे, उस एरिया के अंदर जो भी एलिमेंट आएगा वो सिलेक्ट आएगा। तो इसको सिलेक्ट करते हैं हम। क्लिक किया मैंने और मैंने देखिए ये एक पॉलीगन बनाया है, ठीक है, डैश डैश लाइन से। अब देखिए, पॉलीगन के अंदर हमारी आधी स्लैब है, आधे बीम है। देखिए, ये वाला बीम हमारा आधा आ रहा है पॉलीगन में, ये वाला आधा आ रहा है, और ये पॉलीगन पूरा आ रहा है, और ये कॉलम पूरे आ रहे हैं। जैसे मैं डबल क्लिक करता हूं तो देख रहे हो आप सिलेक्ट कौन सा होता है, केवल ये वाला। क्यों? क्योंकि पॉलीगन के अंदर पूरा ये वाला बीम आ रहा था, ये वाले आधे आधे आ रहे थे, इसलिए सिलेक्ट नहीं होंगे। तो दोबारा इस टूल को यूज करते हैं, ध्यान से देखना। सिलेक्ट पॉली। देखिए, इस पॉलीगन के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स कंप्लीट आ रहे हैं, केवल वही सिलेक्ट होंगे, और जो नहीं आ रहे वो नहीं होंगे सिलेक्ट। ऑल स्टोरे कर देंगे आप तो नीचे तक हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सिलेक्ट इंटरसेक्ट पॉली, यानी कि सेम ऊपर जैसे। अब इसमें क्या होगा, कोई भी एलिमेंट मेंबर अगर पॉलीगन में टच भी हो रहा है तो भी सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए, इस पॉलीगन में कुछ बीम्स हमें आ रहे, आधे आ रहे हैं, कुछ फुल आ रहे हैं, तो हमारे फुल भी सेलेक्ट हो जाएंगे और आधे भी, और स्लैब भी सिलेक्ट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट सिलेक्ट
इंटरसेक्ट लाइन, इस पर क्लिक करने के बाद मैं कहीं पर एक क्लिक करूंगा तो एक डैश डैश लाइन होगी, उसको मैंने दोबारा यहाँ पे क्लिक किया। अब इस लाइन से जो जो इंटरसेक्ट होते, देखो उस लाइन से ये स्लैब और ये बीम सारे इंटरसेक्ट होते, तो सारे सिलेक्ट हो गए। ये दोबारा देखते हैं इस टूल को, सिलेक्ट इंटरसेक्ट, मैंने यहाँ क्लिक किया और यहाँ, अच्छा इस डैश लाइन पे कौन से बीम इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। देखो सिलेक्ट कोऑर्डिनेट स्पेसिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट में कौन सा प्लेन आ रहा है आपका, एक्स वाई, एक्स जेड और वाई जेड। अगर मैं एक्स और वाई पे क्लिक करता हूं, एक बार दोबारा करते हैं ऐसा, ठीक है। सिलेक्ट में गए हम, कोऑर्डिनेट स्पेसिंग में एक्स और वाई क्लिक किया, आप देख रहे हो इसमें जब मैंने ड्रैग किया तो कौन से मेंबर सिलेक्ट हो रहे हैं, दोबारा देखिए एक सेकेंड, नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेट स्पेसिफिकेशन। इसमें देखिए कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट कि क्लिक जॉइंट इन एक्स एंड वाई प्लेन। अगर मैं किसी जॉइंट पर क्लिक करता हूँ उससे निकलने वाले मेंबर अगर एक्स और वाई में है तो सिलेक्ट हो जाएंगे। देखिए एक बार क्लिक करके देखते हैं, फर्स्ट मैंने यहाँ जॉइंट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए कॉलम छोड़ के सारे सिलेक्ट हो गए, क्योंकि कॉलम हमारा जेड में और हमारा एक्स और वाई में हमने ऑप्शन चूज किया था तो वो सारे सिलेक्ट हो गए। दूसरा ऑप्शन लेके देखते हैं, सिलेक्ट कोऑर्डिनेट एक्स और जेड। अगर मैं इस जॉइंट पर क्लिक करता हूं तो देखिए एक्स जेड का प्लान जो है, प्लेन जो है पूरा सिलेक्ट हो गया आपका। अब दूसरा प्लेन लेते हैं, प्लेन वाई जेड। इस जॉइंट पर क्लिक करता हूं तो देखो वाई जेड का प्लेन हमारा पूरा सिलेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप, इस पर क्लिक किया विंडो आ गई, कौन सा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हो, जॉइंट, इस पर क्लिक करूंगा सारे जॉइंट सिलेक्ट हो जाएंगे, इससे कॉलम, इससे बीम, अभी ब्रेसिंग हमने बताई नहीं है, नल लाइंस नहीं बताई, वॉल्स नहीं, फ्लोर स्लैब को बोलते हैं, नल एरिया, ओपनिंग लिंक, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि आपके स्ट्रक्चर में जो जो ऑब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल मैंने किया इसमें फ्लोर्स,
सेलेक्ट किया, फ्लोर सारे सेलेक्ट हो गए, देखिए आप है ना, इसी तरह बीम, इसी तरह कॉलम। नेक्स्ट सेलेक्ट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग मान लो हमने M25 प्रॉपर्टी दी है जिस जिस कॉलम को, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, या स्टील दिया वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो प्रॉपर्टीज में से मटेरियल है, मैं चाहता हूँ कि 4000 PSI वाले सेलेक्ट हो जाए, तो ये सारे हमारे 4000 PSI वाले जो सेलेक्ट हो गए, ठीक है। सेलेक्ट, तो आप ये प्रॉपर्टी का समझ गए, जैसे कि स्लैब है, मैं चाहता हूँ 150, मैंने कुछ स्लैब 150 mm की है, थिकनेस कोई 200 mm की है, मैं चाहता हूँ 150 mm की सिलेक्ट हो जाए। अगर हमने 150 की यहाँ लिस्ट में आ जाएगी और हम उस पर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट हो जाएगी, तो ये प्रॉपर्टीज इस तरह से है। नेक्स्ट लेबल्स, भाई लेबल्स के नाम से फ्रेम सेलेक्ट करना है, सेल सेलेक्ट करनी है, जॉइंट के कौन से नंबर वाला सेलेक्ट करना है। हमने फ्रेम पे क्लिक किया तो फ्रेम के नंबर्स आ गए, बीम नंबर्स, मैं चाहता हूँ बीम नंबर B9 सेलेक्ट हो जाए, तो देखिए यहाँ पे ये B9 है, सेलेक्ट हो गए सारे। ग्रुप, अगर हमने ग्रुप बनाया हुआ है, एक फ्लोर का अलग, सेकंड फ्लोर का अलग, थर्ड फ्लोर का अलग, जो मैं आगे वीडियो सीरीज में आपको बताऊंगा ग्रुप कैसे बनाते हैं, तो मैंने डाल दिया अपर फ्लोर ग्रुप, एक ग्रुप बनाया मैंने लोअर फ्लोर, एक ग्रुप बनाया मैंने स्टेयर। अब बनाने के बाद वो लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, मैंने स्टेयर पे क्लिक करूंगा, ओके कर सिलेक्ट करूंगा, तो हमारी स्टेयर स्टेयर सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट नेक्स्ट स्टोरेज, कितने स्टोरेज मैं चाहता हूँ, फर्स्ट और सेकंड स्टोरेज सेलेक्ट हो जाए, देखिए फर्स्ट और सेकंड स्टोरेज सेलेक्ट हो गई, आप जो चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल से ऑल हो जाएगा, अब ऑल सेलेक्ट हो चुके हैं। अब डी सेलेक्ट वाले सेम वही ऑप्शन है, मान लो मैं कोई ऑप्शन ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट टाइप, और मैं चाहता हूँ जो कॉलम है वो डी सेलेक्ट हो जाए, देखिए कॉलम डी सेलेक्ट हो गए हमारे, तो सेम एज डी सेलेक्ट ऑप्शन। इन्वर्ट, मान लीजिए मैंने ये चार बीम सेलेक्ट कर लिए और मैं सेलेक्ट में जाके इन्वर्ट करता हूँ, तो चार बीम को छोड़ के सारे सेलेक्ट हो गए, उल्टा इन्वर्स हो गया। प्रीवियस सिलेक्शन, चार बीम सेलेक्ट थे, और क्लियर सिलेक्शन, कोई भी सिलेक्ट नहीं है। तो हम सेलेक्ट को पूरा समझ चुके हैं, इसी तरह हम एक एक चीज को समझेंगे। आज के लिए सेलेक्ट, नेक्स्ट वीडियो में अकॉर्डिंग टू कंटेन हमारा क्या है, नेक्स्ट वीडियो में सपोर्ट सिस्टम में बता चुका हूँ, लेकिन एक बार और उसको हम गौर करेंगे इसके ऊपर, उसके बाद मॉडलिंग, ग्रिड स्टोरेज, एक चीज करके हम चलेंगे। थैंक यू, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है या आपको लगता है कि और अच्छा कंटेंट और अच्छी वीडियो या किसी और सॉफ्टवेयर की वीडियो आप चाहते हैं, तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।